सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 7/12/2017 शिफ्ट सेकंड माह के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 15 क्वेश्चन को आप एग्जाम में ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। 80 से लेकर 90% क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला सोल्व कराऊंगा। यदि आप 15 में से 15 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़ घटा गुना और भाग आना चाहिए। यदि जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरीके से आता है ना, गारंटी में ले रहा हूं आपकी 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आप सोल्व करना सीख दोगे। नंबर 2, 100% का नियम लगाना है। 100% का नियम और रेशो मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 3, बच्चों मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 खाली स्थान 40 तक का मान बताने हैं। अब हम इसे ऐड करने तो बैठने की नहीं। सबसे पहले तरीका क्या होता है, 2 को मान लेते हैं। ये कितना बचा आपका 1, ये कितना बचा आपका 2, ये आपकी सीरीज कहां तक चलेगी, 2 की पढ़ा कितनी बार चलेगा, 20 तक, ये आपकी 20 तक चलेगी। अब आपको इतना मैं सिखाई चुका हूं, डायरेक्ट ऐड कैसे करते हैं, अंतिम संख्या देखते हैं 20। 20 तक का जो कैसे निकालेंगे, 20 में एक बढ़ाओ, गुना करो 21/2, 2 से 10, 10 2 20 10 बार कटा 21, दशांश कितने होते हैं 210। इसका मतलब क्या हुआ आपका, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना आता है 210। 210 की गुना कहीं में कर दोगे, 2 में कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है ना ब्रैकेट में बाहर, कितना हो जाएगा 420 राइट आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 420, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, डिस्क्रिप्शन में जो आपके शॉर्ट वीडियो के लिंक है ना, एक बार जाकर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 5G से भी ज्यादा स्पीड से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। इससे पहले मैं आपको टोटल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ये सभी पेपर मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन स्टूडेंट ने 38 सेट कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखे हैं, उनकी मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त हो चुकी होगी और फास्ट कैलकुलेशन उनकी हो चुकी होगी। जिन्होंने नहीं देखे हैं, एक बार जाकर लिंक पर क्लिक करके इन ये क्लास देखिएगा कि डायरेक्ट मैथ सोल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें पता है 50 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या आती है 53, 53 के बाद कौन सी आती है 59, 59 के बाद कौन सी आती है 61। जब इन्हें सभी को ऐड करोगे कितना जाएगा 173, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3/4, 2/3, 4/7, 5/3 में भिन्न संख्या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, देखते हैं। 3/4 क्या होता है बच्चों, जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगातार देखते आ रहे हैं, जिन्हें मैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट जो आपकी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 2020 वाली, मैं सभी सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने इनकी प्रैक्टिस जबरदस्त की है, उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी है और बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस मैथ की हो चुकी है, वो समझ जाएंगे एकदम। देखते हैं 3/4 कितना होता है सर, 75 होता है, 75%, लेकिन 0.75 आएगा 3/4 का मतलब कितना आएगा 0.75, ठीक है जी। इसके बाद 0.75 हुआ आपका ये। इसके बाद देखते हैं 2/3, 2/3 को कैसे सोल्व करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 20 में, 3×18.6। इसके बाद देखते हैं 4/7 कितना होते हैं, 4/7, 4/7 कितना होते हैं बच्चों, 1/7 का मान से निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 7 का पाड़ा 40 की दीवार, 7×5=35 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 5/3 देखते हैं क्या होता है, 5/3 पॉइंट नहीं लगने की, इसमें 3×3.18 1.6 आ जाएगा, 1.6 के समथिंग ये आपका आ जाएगा। अब बतानी है क्या सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या है आपकी 0.5, किसका मान है 4/7 का, सबसे छोटी बिन कौन सी, 4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, 2/3, 4/7, 12/35 क्या निकालना है, एलसीएम, जो भी निकालना होता है ऊपरली संख्या का तो वही निकालते हैं और नीचे का उससे उल्टा निकाल देते हैं। एलसीएम ऊपरली का निकलेगा और निचले वाली संख्याओं का क्या निकलेगा आपका, अंश का तो एलसीएम निकलते हैं, अंश बटे हर होता है ना, हर का निकलेगा एससीएम। यदि इस क्वेश्चन में लघुत्तम किस जगह महत्तम पूछता, महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता, तो ऊपरले वाली का महत्तम निकालते, निचले का निकालते एलसीएम, ठीक है जी। अब हमें पता है 2, 4, 12 सबसे बड़ी संख्या, 12×12 क्या 12 तीनों से कटता है, तीनों संख्याओं से, जी सर कटता है, तो एलसीएम कितना जाएगा 12। अब देखते हैं इनका एलसीएम, तीनों आपकी अलग अलग है, तीनों आपकी अलग अलग है, 35 है, 35, 7 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, एलसीएम नहीं एससीएम, ये आएगा 1, 12 वो कटेंगे 1 से कितना जाएगा 12, राइट आंसर आपको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, 12 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, डायरेक्ट ऐसे ही करना है बच्चों पेपर में क्वेश्चन सोल्व, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 3×7+5×2 हमारा है 8/4+2×3 7×21+5×10 8 को 4 से भाग करेंगे 2+6 ये होगा 31 बटे कितना जाएगा 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बच्चों लेवल हाई आएगा, इतना आसान क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलने वाले इस बार, क्योंकि कॉम्पिटिटर ये 17 है, अब 23 चल रहा है, ये मान के चलना, इसलिए हल्के में नहीं लेकर चलना, मैथ को प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है। देखो इसका कैसा क्वेश्चन का आंसर देंगे डायरेक्ट, 100 का 80 की 80 प्रतिशत कितना होगा 80, 30 प्रतिशत कम है, 80 से 30 प्रतिशत कम, 80 का 30 निकाल दो, 80 का 30 कितना होता है 80 का 30 प्रतिशत कितना होता है 24, 30 प्रतिशत कम है, इसका मतलब 80 का 70 प्रतिशत ही तो है वो, तो ये 80 में से घटा देना, ये जब 80 में तो 24 घटाओगे 56 राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा आपका तरीका है 80 का 70 निकाल दो, 80 गुना 70 बटे 100 डायरेक्ट आंसर आएगा, 56 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 15,000 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, पी क्यू का रेशो कितना है बच्चों, पी क्यू का रेशो है 2:1, 2:1 लिख लेते हैं, क्यू और आर के हिस्सों का अनुपात है आपका क्यू और आर, एक आर भी है इनमें, इनके हिस्सों का अनुपात कितना है 4:3, 4 क्यू के नीचे 3 इसके नीचे, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नीचे कलर दिखाई देने का नहीं है आपको, ठीक है जी, ये कितना हुआ 4 × 8, 4 × 4, 3 × 3, रेशो उनका निकल कर आया पी का 8, क्यू का 4, आर का 3, 8 × 4 कितने होते हैं 12, 12 × 3 = 15, 15 रेशो का मान कितना रुपये दे रखा है 15,000, एक रेशो का मान आया आपका 15 से 15,000 कट जाएगा 1,000, जिसका पूछा है 1,000 की गुना कर दो, किसका पूछा है क्यू का, क्यू को कितनी राशि मिली, क्यू का रेशो है 4, 4 की गुना कर दो 1,000 में, 4,000 राइट आंसर, यदि पूछता पी की तो 8,000 हो जाता, आर का 3,000 होता, ठीक है 4,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, 20 लड़कों के एक समूह में औसत आयु 15 वर्ष है, जैसा जैसा कहता है वैसे करते चलेंगे, 20 × 15 कितना होता है आपका 15 × 30, 300, यहां तक क्लियर है जी। इसके बाद क्या कहा है, एक लड़का समूह छोड़ देता है, बचे कितने 19, औसत कितना हुआ है 14.5, 14.5 की गुणा जब 19 में करेंगे कितना आएगा निकल गया 275.5, 275.5, ठीक है जी, 300 में घटा देते हैं कितना आएगा 24.5, वो लड़के की आयु कितनी है 24.5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको लगातार बताता रहूं, रेशो मेथड से सोल्व करेंगे इसको, ब्लैक पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 10% है 10 से 11, फिर 2 साल की बात है 10 से 11, जितनी बार की बात हो साल की उतनी बार लिखते हैं, 3 होता है मैं 10 से 11 3 बार करता, 10 × 10 = 100, 11 × 11 = 121, 100 पर 121 हुए, कितने रुपए का ब्याज मिला 21 रुपए का, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे भी दोबारा, फिर कितने का ब्याज मिला जी 21 रुपए का ब्याज मिला, 100 बराबर कितने आपके 6,000, तो 100 बराबर 6,000 है, कितना गुना है 60 गुना है, यदि पूछता कुल राशि तो 121 में गुना कर देते मैं 60 की, जब 121 की गुना में 121 में 60 की गुना करोगे आप तो कितना जाएगा आपका 7260 कुल राशि आ जाएगी, तो 7260 में से 6,000 घटा दो 1260 आंसर आ जाएगा आपका ब्याज का चक्रवृद्धि का, नहीं ऐसा करना चाहते तो 21 की गुना डायरेक्ट 60 में करो, 60 की गुना 21 में करके कितना आएगा आपका डायरेक्ट, तब भी 1260 ही आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 में बेचने की हानि के बराबर है, दोनों को जोड़ देते हैं 900 + 500 / 2 कर देना, सी पी निकल जाएगा 1400 / 2 = 700, वस्तु की कमी निकल गई 700, 30% लाभ 700 × 30/100 डायरेक्ट आंसर, 7 × 21 210 प्रॉफिट होगा, कितने पर 700 पर, कितने की जाएगी वह 910 की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का 100 था हमारे पास, 30 कम हुआ 70, फिर 70 में 10 कम करो, 70 का 10% कितना हो जाएगा आपका 7 और घट जाएगा 100 में से, 70 में से 7 कितना हुआ आपका 63, पहले कितना था 100, डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट है आपका कितना 37, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 37 हो जाएगा। यदि आप वैसा करना चाहते हो तब ऐसा कर लो, देखो 30 + कैसा करोगे 30 + 10 -30 × 10/100 ऐसे भी कर सकते हो, 40 − 3 = 3 बराबर कितना हो जाएगा, तब भी आपका 37 ही राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई लंबाई का अनुपात की लंबाई किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बताओ, भवन की लंबाई कितनी बता मान लो x मान लो, चौड़ाई 4/5 दे रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रहा है 500,
बराबर कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, एक्स गुना चार बटे पाँच कर दो, चार बटे पाँच एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, 625 हो जाएगा ये, एक्स बराबर कितना आया 25, तो चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी मान के चल लेते हम, चार बटे पाँच गुना 25 करो, पंजो पंजो पच्चीस, पाँच चौक 20, 20 आ गई चौड़ाई, 25 दूसरी है, 25 में से 20 घटा के 5 आ जाएगा अंतर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसी इतनी स्पीड से करना, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इतनी स्पीड कैसे आएगी सर, प्रैक्टिस आएगी जी, वो आपके 38 सेट में कंप्लीट करा चूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड आएगी। एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी, क्या क्या कहा है, एक कार की चाल कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2.5 घंटे में दूरी तय कर रही है, वो कितने घंटे में, 2.5 घंटे में, इसका मतलब 100 × 2 = 250, 250 कुल कितनी चली जाएगी, 250 चली जाएगी, कितने की स्पीड से कवर करवाना, 60 की, 250/60 करो डायरेक्ट, 25/4 क्या होता है, 25/6 लिख देते हैं डायरेक्ट, चलो 25/6 ही राइट आंसर हो जाएगा, यदि 25/6 ना होता फिर काट के लिख देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पी और क्यू ने एक व्यापार 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की, पी ने 21 माह के लिए निवेश किया, यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है तो क्यू को कितने महीनों में, कितने महीनों के लिए निवेश किया होगा। देखो जी 4:1 इसका दे रखा है, 7 दूसरे का दे रखा है, ये पी है आपका, ये क्यू है, ठीक है, गुना ये 21 महीने के लिए, एक्स महीने के लिए बराबर कितना दे रहा है, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स का मान यहाँ से निकल कर आएगा आपका 20, तो 20 महीने आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पी और आर एक टंकी को पी 16 घंटे में भर रहे हैं, आर आपका 24 घंटे में भर रहे हैं, जबकि एक तीसरा नल एस उसे 48 घंटे में खाली कर रहा है, एस 48 में, अब देखते हैं 16, 24, 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, 16 × 3 = 48, इसे प्लस लिखूंगा भरने वाला, 24 × 2 = 48 प्लस लिखूंगा भरने वाला, 48 × 48 माइनस लिखूंगा खाली करने वाला, 5 भरा जा रहा है प्लस में, 1 माइनस हो रहा है, कितना भरा जा रहा है घंटे में, 4 भरना कितना, 48, 48/4 करोगे राइट आंसर आ जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर बी। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।